सुबह सुबह की ये एक्सरसाइज की स्टेप्स हमारे बढ़ते हुए मोटापे पर, हमारी बढ़ती हुई चर्बी पर कितना इफेक्ट डालती हैं और कितनी आसानी से हमारा वेट लूज हो जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम। तो ये सारी जो एक्सरसाइज की स्टेप्स हैं ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप बहुत ही जल्दी अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में सेब का चीला, जो कि अभी तक आपने कहीं नहीं देखा होगा शायद। सेब और ओट्स का चीला बनाएंगे आज हम। ये वेट लूज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और यमी भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से निपटाते हैं अपने घर के काम, जिसमें कि काम का काम और हमारा वेट लूज़ की जो जर्नी है वो भी बहुत इजी हो जाती है। हमें घर के कामों को इसी तरह से निपटाना चाहिए दोस्तों, खुद के साथ काम चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा शाम का डिनर, उंगलियां जल गई हैं गाइज आज, तो शाम का डिनर करने में हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो आज इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो में। जो परिस्थितियों को सहना सीख जाते हैं वो बहाना बनाना और कहना छोड़ देते हैं दोस्तों। सहारा बन सकूं हर एक असहाय का, ऐ खुदा मेरी ज़िंदगी का मोल बस इतना सा कर दे। तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सानविका ब्लॉग्स में, और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप भी इन सब टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसको करिए ऑल पे प्रेस, इससे मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों सुबह का समय है और हमारी एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले हमने उठ के यहाँ पे जीरा और मेथी का पानी पिया है और उसके बाद हम लग गए अपनी एक्सरसाइज में। जीरे और मेथी की का जो हम पानी पीते हैं सुबह सुबह, उसके कितने सारे फ़ायदे होते हैं ये तो हम आपको कल के वीडियो में बता ही चुके हैं। तो आज बात कर लेते हैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना, उसके कितने सारे फायदे होते हैं। शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार के साथ साथ योग व्यायाम भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से हृदय मजबूत होने के अलावा दिमाग की कार्य क्षमता जो होती है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा सुधार होता है। इसके अलावा सुबह की एक्सरसाइज या व्यायाम कह लें आप, नींद की कमी और भूख ना लगना और डिप्रेशन, तनाव, डायबिटीज़, हार्ट के रोगों से छुटकारा भी दिलाने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। दवा के रूप में एक तरह से काम करता है देखा जाए तो। शरीर को ऊर्जावान भी बनाता है। एक्सरसाइज बहुत ही हमारे शरीर के को ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे मान लीजिए आप। दिन में व्यायाम एक्सरसाइज करने की तुलना में यदि सुबह के समय हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी हृदय से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, मधुमेह और जो हाई बीपी वगैरह की समस्याएं होती हैं वो काफ़ी नियंत्रित रहती हैं। ये अंतर होता है कि अगर हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं और दोपहर में एक्सरसाइज करते हैं। हमने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया कि अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आप दोपहर में कर लें, 11 बजे कर लें, 12 बजे कर लें, उससे आपका वेट लूज़ होगा, बट ये जो बेनिफिट्स हैं इनसे आप वंचित रह जाओगे दोस्तों। दोस्तों मोटापा एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है। सुबह के समय एक्सरसाइज या जॉगिंग की मदद से आसानी से अपने वजन को हम नियंत्रित कर सकते हैं और मोटापे जैसी गंभीर समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की खास तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस नियमित सुबह के समय नियमित रूप से हमें 25 से 30 मिनट सामान्य तरह से एक्सरसाइज करनी है। जो स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं आप वीडियो लगा के चला के आप रख सकते हैं और बस देखते जाएं और वही स्टेप्स फॉलो करते जाएं। और इसके अलावा आप 10 मिनट की रनिंग कर सकते हैं अपने शरीर का वजन घटाने के लिए, वजन को नियंत्रित रखने के लिए। अगर आप ये सोचें आप वॉक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे पी रहे हैं ऑरेंज जूस, जो कि मेरा फेवरेट है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सुबह सुबह खाली पेट हम जीरा वाटर तो पी ही चुके थे, अभी एक्सरसाइज के बाद बस हमने देखा कुछ ऑरेंजेस पड़े हुए थे तो उसका हमने जूस निकाल लिया और बस पी लिया। उसके बाद हमने बच्चों के लिए बनाया यहाँ पर नाश्ते में है आज ब्रेड पकौड़ा, बच्चों के नाश्ते में है ब्रेड पकौड़ा और हलवा। तो बच्चों का नाश्ता बनाने के बाद उसके बाद हम लग गए अपने घर के कामों में। जैसे कि आप सभी जानते हो अपने, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो फॉलो करते हो तो हम हमेशा ही दिखाते हैं ये चीज़ कि हम हाथ से ही बैठ के पोछा लगाते हैं। तो चलिए आज आपको इसके पीछे का भी कारण बता ही देते हैं, कारण नहीं राज है दोस्तों। झाड़ू लगाने के साथ साथ पोछा लगाने के भी कई सारे फायदे होते हैं।
जब आप खड़े होकर स्टिक की सहायता से पोछा लगाते हो ना, तो इससे सिर्फ आपके आर्म्स का, आपके हाथों का वर्कआउट होता है, लेकिन जब आप बैठ कर पोछा लगाते हो तो 340 स्क्वाट्स के बराबर होता है। जब भी आप पोछा लगाते हो तो हर मिनट में आपकी लगभग 4 कैलोरीज बर्न होती है। कैन यू बिलीव दैट दोस्तों, ये सच्चाई है। और इस तरह से पोछा लगाकर आप सिर्फ पोछा ही लगाकर अपना वेट लूज कर सकते हो। तो दोस्तों, पोछा लगाने के इतने सारे फायदे हैं, क्या आप सोच सकते थे कभी? अभी तक आपने भी सिर्फ यही सुना होगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो आप बैठकर पोछा लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल में भी बैठ के पोछा लगा सकते हो। उसके कई सारे लाभ जो हैं आप हासिल कर सकते हो अगर अपना वेट लूज़ करना चाहते हो तो। उसके बाद देख सकते हो, अब जितने भी हमारे मेहनत के काम होते हैं नहाने से पहले आजकल हम निपटा लेते हैं, क्योंकि गाइस गर्मी कुछ ज़्यादा है और फिर पसीना पसीना होने के बाद दोबारा से नहाने का मन होने लगता है। तो अभी सुबह का समय है और हमारी एक्सरसाइज से हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अपने जो डेली रूटीन, डेली बेसिस पे जो खुद के लिए टाइम निकालते हैं उनसे हम हो चुके हैं बिल्कुल फ्री। एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी, गर्म पानी भी हो चुका है, घर के सारे काम काज हो चुके हैं, सब कुछ निपट चुका है। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं, सुबह अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए पूरा दिन, और बहुत ही लाइट रहता है हमारा माइंड भी, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं। जितने जल्दी उठ जाएंगे उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा टाइम होगा हमारे लिए, उतना ही ज़्यादा टाइम होगा हमारे पास खुद के लिए, घर के लिए, हर चीज़ के लिए। काफ़ी वीडियोस में हम आपको बोलते ही रहते हैं क्योंकि ये सच्चाई है बहुत बड़ी। कभी भी आप करके देखिए इस तरह से कि जल्दी उठ जाइए, किसी दिन आप 5 बजे उठ जाइए और उसके बाद आप देखिए कि आपके सारे काम भी निपट जाएंगे और आप जो है ना बहुत सारा टाइम होगा आपके पास अपने लिए, कुछ भी एक्टिविटीज़ करने के लिए और घर के लिए कुछ नई एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ओके, पूजा पाठ करके हम हो चुके हैं रेडी और बस अब हम क्या करेंगे ना, अपने लिए मस्त सा हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। वैसे हम चाहें तो एप्पल कट करके भी खा सकते हैं, बट एप्पल कट करके खाएंगे और आपको दिखाएंगे तो उसमें कुछ मेरे ख्याल से वो कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगा गाइस, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं कि एप्पल फ्रूट्स कट करके खाइए सुबह सुबह, नॉर्मल सी चीज़ है और आजकल के ज़माने में सबको ये चीज़ें पता होती हैं। बस ये है कि हम चाहते हैं कोई यूनिक रेसिपी वेट लूज की, कोई यूनिक वेट लूज की रेसिपी आपके साथ शेयर करते रहें, तो उसके चलते हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आज एप्पल और ओट्स का चीला। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हमने भी बच्चों के लिए नाश्ते में हलवा बनाया था, वही कढ़ाई है हमारे पास और इसी कढ़ाई में हमने ऐसे ही बस ये 1 कप ओट्स भर के डाल दिया है। इसको भून लेना है, सेम करछी से हम इसको भून लेते हैं। कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें भून लेना है, ठीक है? बस ओट्स जो है ना इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए तो बस गैस को हम कर देंगे ऑफ और इसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस। देख सकते हो आप अच्छे से भून चुका है, अभी हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक एप्पल ले लिया है, इसको वॉश किया हुआ है एक्चुअली, ये फ्रिज में रखा था, इसको हम फिर से वॉश करके इसको, इसका हाफ पार्ट हम ले, इसका आधा हिस्सा हम लेंगे इस चीले के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाफ एप्पल को इस तरह से पीसेस में कट करके ले लिया और हाफ साइड कर दिया। अब हमें 1-2 चीले के लिए हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा, ज़्यादा एप्पल की ज़रूरत भी नहीं। अब क्या करना है, ये जो ओट्स हमने रोस्ट किया है इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। देख सकते हो ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह का हो गया, ये हाफ एप्पल और 1 कप ओट्स। इसके बाद हम ले रहे हैं थोड़ा सा देसी घी। अगर आप वेट लूज की जर्नी में हो तो आपको घी अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, घी को अपनी डाइट में शामिल करके रखना है आपको, क्योंकि हमारी स्किन के लिए देसी घी बहुत अच्छा होता है। तो देसी घी ले लिया, गैस को थोड़ा सा कम कर देते हैं और बस इसको तवे पे फैला लिया। आपके सामने कि हमने घी की कितनी क्वांटिटी ली है, देखिए हमारी स्किन को सभी विटामिन की ज़रूरत होती है, ऑयल की भी ज़रूरत होती है। अगर हम एकदम से ऑयल छोड़ देंगे तो हमारी स्किन पर ड्राई स्किन जो है ना ड्राई हो जाएगी। तो बस इसके बाद इस तरह से बैटर डाल देना है, इसमें बैटर में हम 2 चीले बना लेंगे और चम्मच से इसको आराम से इस तरह फैला देना है। अच्छा, ज़्यादा पतला इसको करना नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी जो हमारा ओट्स है वो हमने रोस्ट ही कर लिया था, एप्पल है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एकदम से पतला करके क्रंची करके सेकें। जितना ज़्यादा इसको सेक देंगे ना उतने ही इसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। बस इसको इस तरह से 1.5 मिनट में ये पक जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर देंगे, ठीक है?
थोड़ा सा रेड रेड इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि खाने में अच्छा लगे, अदरवाइज़ ये ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा सेकने की, ज़्यादा क्रंची करने की। तो हमारा ओट्स का और एप्पल का चिल्ला जो है वो बनके हो चुका है रेडी। बस इस पर थोड़ा सा हनी इस तरह से लगा देना है, बहुत यम्मी लगता है हनी लगाने के बाद, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, एप्पल, ओट्स और बस थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर। इसके अलावा स्वीटनेस के लिए कुछ ऐड नहीं किया, एप्पल की ही स्वीटनेस है नेचुरल जो भी होगी, और उसके बाद थोड़ी सी नेचुरल और हनी की स्वीटनेस। बहुत ही हनी के साथ ये चिल्ले कितने ही मस्त लग रहे हैं, और थोड़ा सा हनी आप ज़रूर डालिए इसमें, बहुत ही यम्मी चिल्ले बनके तैयार हुए हैं। दोस्तों मेरा नाश्ता तो हो गया है रेडी, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में क्योंकि इसमें हनी होता है, और थोड़ा सा जो है टेस्ट के लिए हमने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला था। और आप जिस तरह से बनाना चाहें, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं आप, जब भी इसको ग्राइंड कर रहे हो उस टाइम, जिस तरह से बनाना चाहो आपकी इच्छा है। बस क्वांटिटी दोनों चीज़ों की, एप्पल की और जो अपना ओट्स है इसकी, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है ताकि इसको फ्लिप करने में प्रॉब्लम ना हो, ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बंध जाए। अदरवाइज़ अगर आप एप्पल ज़्यादा कर दोगे, ओट्स कम कर दोगे, तो फिर इसे फ्लिप करने में दिक्कत होगी, टूट जाएगा। तो बस ये चीज़ मैटर करती है, अदरवाइज़ आप जो चीज़ इसमें ऐड करना चाहो मर्जी से कर सकते हो, कोको पाउडर कर सकते हो जो चाहो। तो यहाँ पर हमने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद दोस्तों ये जो है शाम की क्लिप है, यहाँ पर हम शाम का डिनर बना रहे हैं, और डिनर में हम बना रहे हैं मसूर की दाल सोयाबीन डालकर और रोटियां, देख सकते हो आप। और आज क्या हुआ ना कि बस बनाते बनाते मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया, उंगलियां जल गई, तो बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी। और यहां पे हमने रोटियां बना ली और सोया बड़ी जो है उनको फ्राई कर लिया है, और उसके बाद में मसूर की दाल बनाएंगे, उसमें सोयाबीनों को ऐड कर देंगे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, हम हाउस वाइफ के साथ ऐसा तो लगा ही रहता है, इतना चलता रहता है। तो देख सकते हो बाहर थोड़े थोड़े दिन क्या है, यहाँ पे 6:30 बज रहा है और 7, 7:30, 8 तक ऐसे दिन जैसा बना ही रहता है गर्मियाँ जो हैं। तो बस हम थोड़ा सा जल्दी ही बनाने की कोशिश करते हैं शाम का डिनर, क्योंकि फिर हम नहीं चाहते कि लेट हो। वेट लूज की जर्नी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें जो डिनर है ना वो 7 से 7:30 से पहले कर लेना चाहिए, अगर अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो। जब बनेगा तभी हो पाएगा, अगर हम बनाने के लिए ही लेट हो जाएंगे तो अपना ये एक रूटीन है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो बाकी सारे जो हम कोशिश कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज हुआ, हमारा डाइट अच्छे अच्छे डाइट फॉलो हुए, जो कुछ भी वो सब बेकार धरा धरा रह जाएगा, क्योंकि रात में हम खा के सो जाएंगे और फिर वो हमारे ना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगा, हमारा वेट को बढ़ाएगा वो चीज़। तो यहाँ पे हम कम करेंगे एक साइड, और एक साइड वो बढ़ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो ये देख सकते हो आप, उंगलियाँ जो है हमारी जल गई हैं, और ये हमारा डिनर रहा। तो देखेंगे अब किस तरह से खाना है। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हमने सैलड वगैरह भी कट नहीं कर पाए क्योंकि देख सकते हो आप कंडीशन, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।